हेलो दोस्तों, स्टडी रोजगार यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। दोस्तों तो आज डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों, यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड प्रमुख जिले, मतलब कौन से जिले में कौन सी वस्तु या कौन सी कलाकारी फेमस है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और आप अगर उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं तो ज़रूर ज़रूर ये वीडियो देखिए, ताकि आपको पता लगे कि आपके कौन से ज़िले में कौन सी फेमस चीज़ पाई जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं लकड़ी के खिलौने। तो लकड़ी के खिलौने फेमस है दोस्तों वाराणसी और मेरठ। वाराणसी और मेरठ में फेमस है लकड़ी के खिलौने। नेक्स्ट बात करते हैं पीतल की मूर्ति। तो पीतल की मूर्ति फेमस है मथुरा जिले में। मथुरा जिले में फेमस है पीतल की मूर्ति। नेक्स्ट है दिया सलाई। तो दिया सलाई फेमस है बरेली। तो बरेली जो जिला है तो वहाँ पर फेमस है दिया सलाई दोस्तों। नेक्स्ट है रबड़। तो गाजियाबाद में जो रबड़ के पेड़ हैं जिससे रबड़ का प्रोडक्शन होता है, तो वो काफ़ी फेमस है गाजियाबाद में दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों ताला। तो ताला अलीगढ़ का फेमस है। अलीगढ़ जो जिला है वहाँ पर ताले का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और हाई क्वालिटी के ताले का निर्माण होता है अलीगढ़ में दोस्तों। नेक्स्ट है चमड़ा। तो चमड़ा फेमस है दोस्तों कानपुर। कानपुर का जो चमड़ा है वो काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट बात करते हैं सहारनपुर। तो सहारनपुर जो जिला है उसमें कागज़ का जो निर्माण है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए कागज़ के मामले में फेमस है सहारनपुर दोस्तों। नेक्स्ट है नोएडा। तो नोएडा फेमस है दोस्तों आईटी सिटी के नाम से। आईटी सिटी के नाम से फेमस है दोस्तों नोएडा दोस्तों। नेक्स्ट है मेरठ। तो मेरठ है दोस्तों खेल का सामान। जो खेल होता है बोले तो स्पोर्ट्स, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जितने भी खेल होते हैं पोलो वगैरह, तो उनका जो सामान है वो सबसे ज़्यादा मेरठ में मिलता है काफ़ी किफ़ायती दाम पर दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं कांच उद्योग के लिए दोस्तों। फिरोजाबाद काफ़ी फेमस है, जो कि यूपी का एक जिला है। तो दोस्तों प्रसिद्ध जिलों से रिलेटेड उनके जो सामान हैं, अगर वो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोगों को भी इन चीज़ों के बारे में पता लगे। तो आज के लिए थैंक यू दोस्तों।